हेलो गाइस वेलकम टू ईएससी गेट पी एस यू लेक्चर हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लेक्चर वन में हमने बात किया था मेजरमेंट के बारे में इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक्यूरेसी के बारे में प्रिसिजन के बारे में ट्रू वैल्यू के बारे में ठीक है तो जो लोग मिस कर दिए हैं उनके लिए लिंक नीचे दिया हुआ है आप वहाँ से देख सकते हैं और ये लेक्चर टू है लेक्चर टू में हम लोग बात करने वाले हैं ईदर के बारे में ठीक है व्हाट इज द एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ईडर ईडर ईर कैन बी डिफाइंड एज द डेविएशन ऑफ मेजर वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू ठीक है तो जो 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 वैल्यू होती है ट्रू वैल्यू से कितना डेविएट करती है उसे ही ईदर बोलते हैं ठीक है थीके? इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया है नेटवर्क सर्किट जिसमें टेन बोल्ट का एक सोर्स है और फाइव ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है क्रॉस उसके तो अगर ला अप्लाई करें तो टू एम का करंट करंट फ्लो होगा ये सबको पता है ठीक है सपोज करो मैंने यहाँ पे इसको मेजर करने के लिए यहाँ पे एक एमीटर लगाया ठीक है यहाँ पे एक एमीटर लगा दिया ठीक है तो एमीटर की जो रीडिंग है वो रीड कर रहा है वन पॉइंट नाइन एम ठीक है लेकिन एक्चुअली मेजर कितना करना चाहिए था टू एम्पियर और ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मीटर का भी कुछ ना कुछ रजिस्टेंस होगा जिसे कहा करंट क्या होगा इसका भी कुछ ना कुछ रजिस्टेंस होगा इसमें एडअप होगा और करंट कम फ्लो होगा यानी कि जो ये ईरर है ठीक है तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है मेजर्ड वैल्यू से जो ट्रू वैल्यू से कितना डेविएट करता है ठीक है मेजर्ड वैल्यू कितना डेबिएट करता है उसको ईरर बोलते हैं यानी कि इस केस में अगर देखा जाए तो ईरर होना ईरर होगा ठीक है उसको मेजर कर, करना चाहिए था टू और कर रहा है वन पॉइंट नाइन एम इसका मतलब ये हो गया पॉइंट वन एम जो है इधर आ रहा है ठीक है तो अगर हम लोग इधर को इधर को अगर हम लोग मैथमेटिकली देखना चाहें तो वो होता है मीजर्ड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू मीजर्ड वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं ये जो होता है ट्रू वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू प्लस माइनस ईर के बराबर होता है अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि टू पॉइंट वन एम्पेयर करेंट हो तो यहाँ पे ज़्यादा होता, तो यह होता है ठीक है तो ईधर प्लस माइनस होता है ठीक है तो ये इसका हो गया इसके बारे में हम लोग देखो ईरर जो है ये एप्सल्यूट ईरर यहाँ पर होता है अब ईर को हम लोग अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो रिलेटिव ईरर बोलते हैं तो ये सब बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे और मैथमेटिकल डेरिवेशन भी करेंगे इसके लिए और इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस लेक्चर में बस हमको ये समझ रहे हैं कि ईधर क्या होता है और क्लासीफिकेशन आप ईरर तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जो, है, है, जो होता है थ्री टाइप का ईर होता है ग्रॉस ईर बोलते हैं फर्स्ट जो होता है ग्रॉस ईर सेकेंड होता है सिस्टमेटिक ईरर एड थर्ड वन इज द रैंडम ईरर अगर हम लोग सिस्टमेटिक ईदर को फर्दर क्लासीफाइड करें तो वो होता है इंस्ट्रूमेंटल ईरर इन्वायरमेंटल ईरर और ऑब्जेक्शनल ईर ठीक है तो वन बाय वन सारे ईर की हम लोग बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इस पर बेस्ड आते हैं एग्जाम में पी में भी आते हैं ई इंजीनियर सर्विस एग्जाम में भी आते हैं फर्स्ट तो वन है ग्रॉस ईडर तो ग्रॉस इडर क्या होता है दिस इरर आकर्ष ड्यू टू द ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ पैरामीटर ठीक है जैसे ईरर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ यूजर वाइल नोटिंग डाउन रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ठीक है सपोज करो आप कि कोई यूजर है कोई इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहा है अगर उसकी यूनिट मिली एम्पियर में दिया है और ये सेंटीमीटर में लिख ले रहा है ठीक है तो उस टाइप के ईरर को भी ग्रॉस ईर बोलते हैं ठीक है थीके? तो केयरलेसनेस ऑफ यूज़र ठीक है यूजर क्लियर कर उसका केयरलेस अच्छा नहीं रहता इसलिए वो गलत रीडिंग लिख लेता है ये जो ईर आता है ग्रास ईरर में आता है और ये ये जो पूछा गया ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर रीडिंग रीडिंग हम लोग रीडिंग नोट करते हैं तो अगर गलत रीडिंग नोट कर ले रहे हैं तो उस टाइप के ईरर को किस किस में क्लासिफाई किया गया है ठीक है तो होता है ग्रास ईरर ये पी में आया हुआ क्वेश्चन है ध्यान रखेंगे ये लोग आप लोग ठीक है ईर ड्यू टू सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट विथ इन रेंज एंड इन एक्सपीरियंस पर्सन ठीक है तो अगर सपोज करो आपको मेजर करना है फाइव एम्पियर करेंट सर्किट में फ्लो हो रहा है फाइव एम्पियर और आप मेजर कर रहे हो ऐसे एमीटर से जिसका रेंज है वन जीरो टू फोर एम्पियर तक ठीक है तो वो मैक्सिम फोर फोर एम्पियर मेजर कर सकता है लेकिन आप उससे कितना मेजर कर रहे हो फाइव एम्पियर तो ईडर तो आना ही है तो उस टाइप के ईडर को भी क्या बोलते हैं हम लोग ग्रास ईडर ठीक है ये भी पी में पूछा गया है ठीक है तो ध्यान रखेंगे स्टेटमेंट डायरेक्ट आता है ठीक है अब ग्रास ईरर जो होता है ये पार्मानेंट नहीं होता क्योंकि पार्मानेंट क्यों नहीं होगा क्योंकि डिपेंड करेगा यूजर पे अगर जो ग्रास ईरर होता है ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ग्रास ईडर जो होता है पामनेंट नहीं होता है ठीक है और ना ही इसके एम्लीट्यूड पारनेंट कॉन्स्टेंट होता है ठीक है तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ग्रॉस ईर जो होता है पामनेंट नहीं होता है और ना ही इसका एम्लिट्यूड कॉन्स्टेंट होता है क्स्ट वन सिस्टमेटिक इधर आल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड इधर होते हैं उनको हम लोग सिस्टमेटिक इधर में क्लासीफाई किए हैं ठीक है फर्स्ट वन है इंस्ट्रूमेंटल इधर इंस्ट्रूमेंट विच आकर्ष ड्यू टू सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज ड्यूरिंग फेब्रिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ठीक है तो अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं सपोज करो कोई इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं हम लोग ठीक है तो इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं वो प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए ऐसा नहीं कोई मटेरियल उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो सपोज करो समर में उसकी प्रॉपर्टी कुछ और हो जा रही है विंटर में उसकी प्रॉपर्टी कुछ और हो जा रही है तो रीडिंग भी डिफरेंस होगा इस टाइप के ईयर को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल ईयर ठीक है तो ये है इंस्ट्रूमेंटल एरर और ये जो होता है ये परमानेंट एरर होता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है ठीक है तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर सेकेंड है इन्वायरमेंटल एरर ठीक है तो विच आकर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर सच एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सील्ड मैग्नेटोस्टैटिकल्ड एंड टम्परेचर ठीक है तो इन्वायरमेंटल एरर उसे बोलते हैं जिसके जो अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व है मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व है या फिर टेम्परेचर के कारण जो फैक्टर चेंज होते हैं उसे बोलते हैं इन्वायरमेंटल ईयर और ये ईर जो होता है नॉट ए पर्मानेंट एंड डू नॉट हैव द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लो आप भी टेम्परेचर uh, कुछ और था अभी कुछ uh, कल टेम्परेचर कुछ और हो जाएगा नेक्स्ट डे तो रीडिंग ये जो होता है परमानेंट नहीं होता है. तो इन्वायरमेंटल ईयर भी जो होता है ना इधर पार्मानेंट होता है और इसका एम्निट्यूड भी कॉन्स्टेंट नहीं होता है ठीक है नेक्स्ट वन है ऑब्जर्वेशनल ईयर ऑब्जर्वेशनल ऑब्जर्वेशन इिच आकर्स ड्यू टू द इम्प्रॉपर ऑब्जर्वेशनल मेथलॉडी इनकॉपरेटेड इन द इंस्ट्रूमेंट ठीक है तो ईर ड्यू टू तो द तो पैरलेक्स जो होता है वो होता है ऑब्जर्वेशनल इधर में आता है सब कुछ ठीक है तो ये पूछा भी गया एग्जाम में पूछा जाता है पी एस यूज में कि ईरर ड्यू टू तो पैरलेक्स जो होता है किस में आता है किस टाइप का क्लासिफिकेशन आता है ये आता है ऑब्जर्वेशनल इधर में आता है ठीक है अब ये भी जो इधर होता है ना ही परमानेंट होता है ना ही मैग्नीट्यूड जो होता है कॉन्स्टेंट होता है रैंडम इडम दिस इकाश ड्यू टू द मल्टीपल कॉस्ट ठीक है बहुत सारे फैक्टर के कारण होता है एंड नेट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इधर इज इन द मेजरमेंट सिस्टम इज इन होता है और ये जो होता है इसको कंपनसेट किया जा सकता है ए, ये एक दूसरे को कम्पनसेट भी करते हैं सपोज करो एक वन फैक्टर है जो कि इंक्रीज कर रहा है रीडिंग को सेकेंड फैक्टर है जो डिक्रीज कर रहा है तो ये एक दूसरे को कैंसिल भी करते हैं ठीक है तो ये उससे बोलते हैं रैंडम इधर हाँ ठीक है ये तो आज का लेक्चर था नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ ईडर और इस पे बेस्ट क्वेश्चन भी करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है